हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। हम यहाँ पर क्लास 11th की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 7, दी एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। यहाँ पर हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए। आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक छोटा सा रीकैप देखते हैं। अब तक हमने स्टोरी में क्या पढ़ा। हमारे मेन कैरेक्टर हैं गंगाधर पंत गायतोंडे। ये एक हिस्टोरियन है, ये सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं और वहाँ लेक्चर देते हैं। तो ऐसे ही एक सेमिनार के लिए जा रहे होते हैं जब इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये स्टोरी का बैकड्रॉप है, स्टोरी में ये बताया नहीं गया। हमारी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। तब वो पास्ट में चले जाते हैं और एक्सीडेंट के समय वो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे वो उसी पास्ट के टाइम में पहुंच जाते हैं। तो वो जब उसी टाइम में पहुंच जाते हैं वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो ट्रेन ट्रैवल करके बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें बहुत अलग देखने को मिलती हैं। फिर वो फॉर्ब्स बिल्डिंग जाते हैं जहाँ पर उनका बेटा काम करता है, लेकिन वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि उस नाम का वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ जाके हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे ताकि उन्हें क्लैरिटी मिल पाए कि कंफ्यूजन क्यों हो रही है। तो वो अब टाउन हॉल पहुँच गए हैं जहाँ पर लाइब्रेरी है और आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। येस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। नाउ एज गंगाधर इज अ हिस्टोरियन, He has also written books of history. तो वो जब टाउन हॉल पहुँचते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हाँ, लाइब्रेरी तो वहाँ पर मौजूद है। वो रीडिंग रूम में जाते हैं और लाइब्रेरियन से एक लिस्ट ऑफ बुक्स डिमांड करते हैं। His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स की टोटल 5 volumes लिखी हैं तो वो भी आ जाती हैं और वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस इमेज में आप इस लाइब्रेरी का इंटीरियर देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता, वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो जैसे हमारी टाइमलाइन चली है इंडियन हिस्ट्री की, उस हिसाब से उन्होंने बुक्स की वॉल्यूम्स लिखी थी। तो पहली जो वॉल्यूम थी वो अशोका दी ग्रेट के रूल तक थी, सेकेंड वॉल्यूम में समुद्रगुप्त का रूल आया, थर्ड वॉल्यूम में था मोहम्मद गौरी का टाइम जब उन्होंने इन्वेजन्स की थी इंडिया पर, और फोर्थ वॉल्यूम एंड हुआ औरंगजेब की डेथ पर, द लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। तो इन चारों वॉल्यूम्स में वही कुछ लिखा था जो कि गंगाधर को पता था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। द चेंज एविडेंटली अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। तो ऐसा हो सकता है कि परहैप्स जो चेंजेस थे हिस्ट्री में, जिनको क्लैरिफाई करने के लिए वो यहाँ आए थे, वो उनकी बुक के लास्ट यानी कि 5th वॉल्यूम की जो हिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस थे। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। कन्वर्ज्ड मीन्स किसी एक जगह पर, किसी एक पॉइंट पर, नतीजे पर पहुँच जाना। तो अब गंगाधर पंत क्या कर रहे थे, वो इस 5th वॉल्यूम को फ्रंट से और बैक से दोनों दिशाओं से पढ़ रहे थे साइमल्टेनियसली, और पढ़ते 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 वो सेंटर पे उस टाइम पर आ गए जहाँ पर उन्हें लगा कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो उनके फैक्ट्स हैं वो आज टैली नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स उन्हें ऐसा लगा कि जो उन्होंने पढ़ा है उससे कुछ अलग हुआ था सच में, और उसी चीज़ की खोज में वो आज इस लाइब्रेरी में आए हुए थे। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत एंड इट मेंशन दैट द मराठास वन इट हैंडसमली। अब ये कौन सा बैटल ऑफ पानीपत है, हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा है। बैटल ऑफ पानीपत 3 हुए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठास और अफगान रूलर्स के बीच में, और ये बैटल मराठास हार गए थे, लेकिन उस किताब में लिखा हुआ था कि मराठास ये बैटल जीत गए थे। तो यही वो फ़र्क है हिस्ट्री का जो उन्हें कंफ्यूज कर रहा था। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेज्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वासराव।
तो फर्दर इस बुक में बैटल ऑफ पानीपत की डिटेल्स लिखी हुई थी कि अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान रूलर था उसे हरा दिया गया था और उसे वापस मैदान छोड़कर काबुल भागकर जाना पड़ा। और जो मराठा आर्मी थी उसके लीडर्स थे सदाशिवराव भाऊ और उनके नेफ्यू विश्वासराव। द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। ब्लो बाय ब्लो मी स्टेप बाय स्टेप, जिसे हम डिटेल्ड अकाउंट भी कह सकते हैं। तो बुक में इस लड़ाई की बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स नहीं दी हुई थी। रादर इट एलैबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पास्ट स्ट्रगल इन इंडिया। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली। एविडली मीन्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ। एलैबोरेटेड मीन्स डिटेल में किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो इस किताब में इस बैटल का डिटेल नहीं था, लेकिन उस बैटल के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे इंडिया में कि फाइनली जो जीता वो ज़्यादा पावरफुल हो गया था, उसने ज़्यादा टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली, ये सारी डिटेल ज़्यादा डिटेल में दी गई थी। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ देखिए, गंगाधर पंत जो किताब पढ़ रहे हैं वो उन्होंने ही लिखी है, लेकिन वो अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग को भी पहचान पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो ये किताब पहली बार पढ़ रहे हैं। वो एक्चुअली वो किताब नहीं है जो उन्होंने रियल लाइफ में लिखी है, ये किताब भी वो इमेजिन कर रहे हैं। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मोराल बूस्टर टू द मराठास, बट इट ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। मोराल बूस्टर इज समथिंग विच बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मराठास जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीत गए थे तो इससे उनका मोरल बूस्ट हो गया था और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश कर ली थी, वो सबसे ग्रेट पावर बन गए थे। ये सारी चीज़ें सच नहीं हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स एक्चुअली हैं। ये सब उनकी इमेजिनेशन है जो वो कोमा में लेटे हुए सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डिवेलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स got the message and temporarily shelved its expansionist program. Sidelines means साइड से किसी चीज़ को देखना, आप उसके मेन पार्टिसिपेंट नहीं हैं। एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम मीन्स अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का जो उनका प्रोग्राम था, और स्टेट्स और किंगडम्स को वो अपने कंट्रोल में जो कर रहे थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास जीत गए हैं और वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी रुक गई। उन्होंने मराठास की ग्रोथ देखी, उनकी पावर देखी और कुछ देर के लिए अपना ये जो प्रोग्राम था, अपने टेरिटरी बढ़ाने का जो प्रोग्राम था, उसे पोस्टपोन कर दिया, उसे स्टॉप कर दिया। शेल्ड मीन्स किसी भी एक्सरसाइज को रोक देना, स्टॉप कर देना थोड़ी देर के लिए। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव हु इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। अब उनकी बुक में क्या लिखा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जीत का पेशवास पे क्या असर पड़ा, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, भाऊ साहेब और विश्वास राव का इन्फ्लुएंस बढ़ गया और फाइनली विश्वास राव ने 1780 में अपने फादर को सक्सीड करके मराठा पावर अचीव की, यानी कि वो मराठास के किंग बन गए। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। रेलीगेटेड मीन्स असाइन टू अ लोअर रैंक, उनका दर्जा नीचा हो गया। दादा साहेब भी एक मराठा थे, वो मराठास के लिए थोड़ी ट्रबल्स क्रिएट करते थे, इसलिए उनका रैंक लोअर कर दिया गया और फाइनली उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर कर दिया गया, यानी कि उनकी सेवाएं ख़त्म कर दी गई। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। डिसमे मीन्स शॉक। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शॉक थी क्योंकि जो नए मराठा रूलर थे विश्वास राव, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ टक्कर दी। ही एंड हिज ब्रदर माधवराव कंबाइंड पोलिटिकल एक्यूमन विद वैलर एंड सिस्टमैटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। पोलिटिकल एक्यूमन मीन्स पोलिटिकल स्मार्टनेस इंटेलिजेंस एंड वैलर मीन्स बहादुरी ग्रेट करेज इन बैटल। तो विश्वास राव और उनके भाई माधव राव ने एक कॉम्बिनेशन बनाया किस चीज़ का, पॉलिटिकली स्मार्ट होना और बहादुर होना,
और इन दोनों चीज़ों की मदद से उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा शुरू किया, अपना राज जमाना शुरू कर दिया। और उनकी इस पावर को देख के ब्रिटिशर्स भी अनस्टेबल फील कर रहे थे। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्चुगीज एंड फ्रेंच। अब ब्रिटिशर्स से पहले भारत में पोर्टुगीज एंड फ्रेंच भी आ गए थे, लेकिन उनका भी जो रूल है वो छोटी छोटी पॉकेट्स यानी कि कॉलोनीज तक ही लिमिटेड था। हमें थोड़ा सा आइडिया है कि पोर्चुगीज और फ्रेंच कॉलोनीज जो बहुत फेमस थी वो थी पुडुचेरी, जिसे हम पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं, एंड गोवा। तो यहाँ पर हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पोर्चुगीज और फ्रेंच का रूल भी छोटे छोटे एरियाज तक ही लिमिटेड था, उसी तरह ब्रिटिश का रूल भी इंडिया में थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे एरियाज यानी कि बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास तक ही लिमिटेड था। वो उससे ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा पाए क्योंकि मराठास की पावर बढ़ रही थी और मराठास का इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया पर बढ़ रहा। फॉर पॉलिटिकल रीजंस द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजीम अलाइव इन दिल्ली। मराठास ने मुगल्स को भी अलाइव रखा हुआ था, दिल्ली में मुगल्स का भी राज चल रहा था और इसके पीछे पेशवास यानी कि मराठास का पॉलिटिकल रीजन था, तभी उन्होंने मुगल्स का रूल एंड नहीं किया। इन द 19th सेंचुरी दीज डी फैक्टो रूलर्स फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूट इनफ टू रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप। डी फैक्टो मीन्स एग्जिस्टिंग इन फैक्ट विद और विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, समथिंग विच एग्जिस्ट एज अ फैक्ट और जिसे लॉ की ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्यूट मीन्स टू बी स्मार्ट एंड क्विक विटेड। तो फर्दर हमारे राइटर कहते हैं कि गंगाधर पंत जो हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि ये जो मराठास हैं ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल एज शुरू हो रही है। डॉनिंग मीन्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो इन्हें ये पता था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल एज शुरू हो रही है। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। जब मराठास ने ये रियलाइज़ किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल एज आ रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर सेटअप किए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटेंड करेंगे तो उनका भी इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने मराठास को हेल्प और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ऑफर किए ताकि वो इंडिया पर अपना कब्ज़ा और स्ट्रॉन्ग कर पाए। उन्हें मराठास ने एक्सेप्ट किया लेकिन सिर्फ थोड़ी लिमिट में, ताकि वो अपने लोकल सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट बना सके। यानी कि मराठास ने ये देखा कि उन्हें टोटली ब्रिटिशर्स पर डिपेंड नहीं होना, उन्होंने उनसे थोड़ी सी मदद ली। द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। अब 20th सेंचुरी में और भी चेंजेस आए जो कि इंस्पायर्ड थे वेस्टर्न कंट्रीज से। इंडिया अब एक डेमोक्रेसी बन रही थी, तो किंगडम्स जो थे, राजाओं का जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा था और इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जा रही थी। तब तक मराठास का भी जो राज था वो कम होने लग गया और धीरे धीरे उनकी जगह पर गवर्नमेंट्स आने लगी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज मीन्स गवर्नमेंट्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, विच हैपन्स इन अ डेमोक्रेसी। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन लार्जली बिकॉज इट वील्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। वील्डेड मीन्स कोई चीज़ दिखाना। अब जो दिल्ली में सल्तनत थी, जो मुगल रूलर्स थे, उन्होंने इस ट्रांजिशन को सर्वाइव किया। यानी कि जब किंगडम से ट्रांजिशन हुआ गवर्नमेंट्स में, एक इलेक्टेड बॉडी जो कि लोगों ने इलेक्ट की थी वो देश को चलाने लगी, ये जो बदलाव था इसे इन मुगल रूलर्स ने सर्वाइव किया, क्योंकि अब उनका जो इन्फ्लुएंस है वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इंडिया की जो गवर्नेंस थी उसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था, इसीलिए उन पर कोई असर नहीं पड़ा। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर दैन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। अब जो दिल्ली में शहनशाह था
जो मेन मुगल रूलर था, जो दिल्ली से इंडिया पर राज करता था, उसका काम कितना था? सिर्फ इतना, वो एक फिगर हेड था, यानी कि कहने के लिए एक राजा था, जिसका काम था जो भी रिकमेंडेशन आती थी सेंट्रल पार्लियामेंट से, सरकार से, उस पर अपनी मोहर लगाना। तो वो और कुछ नहीं कर सकता था, जो भी रिकमेंडेशन आती थी उसे स्टैम्प लगाकर एक्सेप्ट करता था। एज ही रेड ऑन, गंगाधर पंत बिगैन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड न्यू वट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज। अब जैसे जैसे गंगाधर पंत ये वॉल्यूम 5 पढ़ते गए, उनके दिल में भारत के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती गई, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब इंडियंस स्लेव्स की तरह ब्रिटिशर्स के नीचे नहीं रहना चाहते थे, वो अपने पैरों पर खड़ा होना जानते थे और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना जानते थे। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स, इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। आउटपोस्ट इज अ स्मॉल मिलिट्री कैंप विच इज यूज एज अ गार्ड। फर्दर वो कहते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ था, इंडिया ने क्या किया, उन्होंने, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे और साथ ही साथ बिजनेस पर्पसेस के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को बॉम्बे अपने कंट्रोल में रखने के लिए अलाउ कर दिया, और वो एक अकेली ऐसी जगह थी जहां पर ब्रिटिशर्स अपनी एक आउटपोस्ट बना सकते थे, एक छोटा सा मिलिट्री कैंप बना सकते थे इंडिया के पूरे एरिया पर। तो इंडिया में से सिर्फ एक बॉम्बे का रीजन है जिस पर ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी गई थी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908। तो 1908 में इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो लीज थी बॉम्बे की, जिस लीज में उन्हें बॉम्बे पर कंट्रोल दिया गया था, अपनी आउटपोस्ट बनाने का राइट दिया गया था, ये लीज 2001 ईयर में ख़त्म होनी थी। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। तो अब गंगाधर पंत ये बुक पढ़ने के बाद अपने आसपास जो सच में इंडिया की कंट्री है और बुक में जो लिखा गया है उसे आपस में कंपेयर कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. अभी भी गंगाधर पंत को लग रहा था कि उनकी investigations complete नहीं हुई हैं, क्योंकि एक ऐसा fact है history का जो कि match नहीं हो रहा, और वो ये fact है कि third battle of Panipat Marathas कैसे जीत गए। इसलिए ये चीज़ को clarify करने के लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई ऐसी किताब पढ़नी पड़ेगी जिसमें इस बैटल की डिटेल्ड अकाउंट्स दिए गए हों। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू। इट वॉज भाव साहेब बांची बकर। नाउ वॉट इज भाव साहेब बांची बकर? दिस इज अ बुक रिटन इन मराठी। ये जो भाकर्स हैं, दीज गिव द डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ द डिफरेंट बैटल्स फॉट बाय द मराठास। एंड ये जो पर्टिकुलर बुक है भाव साहेब बांची बकर, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का डिटेल्ड अकाउंट देती है। तो फाइनली अपनी क्वेस्ट में गंगाधर पंत को ये बुक मिली और इसी बुक में उन्हें उनके सवाल का जवाब भी मिला। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द भकर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड। अब इससे पहले कभी भी गंगाधर पंत ने किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को चेक करने के लिए किसी भी भकर को रीड नहीं किया था, वो सिर्फ इन्हें पढ़ते थे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। समटाइम्स बरिड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रुथ। डॉक्टर्ड अकाउंट्स मीन्स मैनिपुलेटेड अकाउंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बदल देना। तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि कई बार जो ग्राफिक्स है, यानी कि जो इमेजेस वगैरह बनाई जाती थी, उनमें कोई ऐसे डिटेल्स दी जाती थी जो कि चेंज की हुई होती थी, लेकिन उन्हें भी पढ़ते पढ़ते गंगाधर को सच्चाई का जो जर्म है, यानी कि हिंट है, वो मिल जाती थी। ही फाउंड वन नाउ इन अ 3-line अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड।
तो अब ये भाव साहेब बांची भकर पड़ते हुए भी गंगाधर पंत को ऐसी ही एक लाइन मिली। उस लाइन में ये दिया गया था कि विश्वासराव मरते मरते बच गए थे, लेकिन फैक्ट में जब उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है और जो उन्होंने बुक्स लिखी है उसमें लिखा हुआ था कि वो मर गए थे। जब उन्होंने भाव साहेब बांची भकर पढ़ी तो उसमें ये लिखा गया था कि वो मरने से कैसे बाल बाल बचे। उसमें लिखा था, एंड देन विश्वासराव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक देम। मेले इज अ कन्फ्यूज्ड फाइट। तो उस किताब में लिखा हुआ था कि विश्वासराव अपने घोड़े पर सवार उस लड़ाई में घुस गए जहाँ ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स उनकी मराठा फौज के साथ लड़ रहे थे, और फिर वहाँ घुसकर उन्होंने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, इवन द डिफरेंस ऑफ अ टिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ। अगर आपने कभी देखा है, जाकर किचन में देखिए, तिल का जो सीड होता है, एक सिंगल सीड, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है, वेरी टाइनी। तो इस भकर में लिखा हुआ था कि भगवान की मर्सी की वजह से, भगवान ने कृपा की और विश्वासराव बच गए। एक गोली उनके कान के बिल्कुल पास से निकली और गोली और उनके कान में एक तिल जितना डिस्टेंस था, और अगर वो गोली उनके कान में से निकल जाती तो वो मर जाते, लेकिन वो बच गए, मरते मरते बचे। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gangadhar Pant emerged from his thoughts. Looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. अब किताब पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत इतने खो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि टाइम कितना हो गया। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आया और उन्होंने कहा कि 8 बज गए हैं, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। आई बेक योर पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हेयर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, बाय द वे व्हेन डू यू ओपन। तो जाते जाते गंगाधर पंत ने लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट की कि वो उन बुक्स को वहीं टेबल पर रहने दें ताकि वो अगले दिन आकर उन्हें पढ़ सके, और उन्हें पूछा कि लाइब्रेरी कितने बजे खुलती है। एट 8 o'clock, सर, द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, हियर वॉज अ यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट। तो लाइब्रेरियन ने रिप्लाई किया कि लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुलती है, और फिर राइटर गंगाधर के लिए कह रहे हैं कि वो एक यूज़र और एक रिसर्चर भी थे। वो इतने ज़्यादा हिस्ट्री की रिसर्च करते थे, जो भी उनके दिल में आता था उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हासिल करके ही रहते थे। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, ही शोव्ड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट। एब्सेंट माइंडेडली ही ऑल्सो शोव्ड द भकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। शोव्ड मीन्स टू पुश रफली। अब जैसे गंगाधर पंत वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कुछ कागज़ के टुकड़े जिन पे कुछ नोट्स बनाए थे वो अपनी राइट साइड की पॉकेट में रख लिए, और बिना ध्यान दिए उन्होंने भाव साहेब बांची भकर की जो बुक थी उसे अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल लिया। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वील कंटिन्यू द स्टोरी इन पार्ट 3, एंड फॉर मेनी मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू आर चैनल इंग्लिश अकेडमी।